सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया था नागपुर से करीब 250-300 किलोमीटर दूर यवतमाल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डॉग शो है। आज डेट है दोस्तों 25 दिसंबर। तो यहाँ पे डॉग शो है दोस्तों, फर्स्ट टाइम ही हो रहा है यहाँ पे डॉग शो। और अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी की है दोस्तों यहाँ पे। और अंदर जाके दिखाता हूँ मैं क्या क्या अरेंजमेंट की है और डॉग्स कौन से आए। तो वीडियो में बने रहो। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया दोस्तों, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है आशीष डॉगवर्ल्ड, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो काफ़ी शानदार क्वालिटी में जर्मन शेपर्ड है दोस्तों यहाँ पे। तो सर, ये मेल है या फीमेल है? अच्छा, मेल है। तो कितनी एज है सर इसकी? डेढ़ साल। ओके, तो ये लॉन्ग कोट का है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो सर, ये कहाँ से बाइक की थी अपन ने? यवतमाल। अच्छा, यवतमाल से। आप यवतमाल से ही हो सर? यस। ओके ओके। तो ये अग्रेसिव है या फ्रेंडली है सर? फ्रेंडली। ओके। इसका नाम क्या है सर? एलेक्स। ये देख सकते हो दोस्तों। और इसकी डाइट क्या रहती है सर? डाइट नॉर्मली सर, जो घर में रहता है। अच्छा, एग्स, मटन। अच्छा अच्छा, चिकन वगैरह भी देते हो? ओके ओके। एंड ऐसे अपन डॉग फूड वगैरह नहीं देते? डॉग फूड भी देते। अच्छा, डॉग फूड भी चालू है। और ये लॉन्ग कोट का है दोस्तों, मैं हाथ लगा सकता हूँ सर? Yes, ये देख सकते हो इसके हेयर्स वगैरह काफी शानदार है दोस्तों, फुल लॉन्ग कोट का है। एंड ये यवतमाल से ही लिए थे सर ने। तो इसकी वॉकिंग वगैरह कैसे रहती है सर? डेली रहती है सर, सुबह शाम। अच्छा, दोनों टाइम। ओके ओके। तो सर, अपने पास एक ही डॉग है या इसके अलावा भी अपने पास है? एक ही डॉग। अच्छा, एक ही है। तो इसका राउंड अभी हुआ है या होने का? होने का। अच्छा, होने का है। ओके ओके। तो अगर किसी को एज अ स्टड इसको यूज करना है अपने फीमेल पे, तो आप कैश पे करोगे या पप्पी पे करोगे सर? सर, अगर वो लोकल है तो उसे पप्पी पे करेंगे। ओके ओके। अगर वो लोकल नहीं है तो कैश पे। अच्छा अच्छा, अगर आउट ऑफ यवतमाल है दोस्तों तो कैश पे करेंगे। एंड काफी शानदार क्वालिटी का मेल है दोस्तों, ये फुल लॉन्ग कोट का है। ये देख सकते हो, ये जो इसके हेयर है जो सिर के नीचे के, तो ये और बढ़ेंगे दोस्तों इसके। एंड क्या ये सर ट्रेंड है? अच्छा, तो क्या आप बता सकते हो थोड़ा सा कुछ? ये देख सकते हो, वाह जबरदस्त दोस्तों, ये देख सकते हो जबरदस्त। ये देख सकते हो दोस्तों, अभी जंप भी करेगा। ये देख सकते हो काफी शानदार। अच्छा अच्छा, ये थका है दोस्तों, ये धूप काफी थी आज सवेरे से, इसके कारण वो सुन नहीं रहा है। फिर भी सुना है उसने, सीट का कमांड फॉलो किया एंड रन का कमांड फॉलो किया उसने। देख सकते हो, हाथ लगा सकता हूँ सर? एलेक्स। ये देख सकते हो काफी शानदार है दोस्तों, ये हल्का हल्का जिमी की तरह दिखता है दोस्तों, ये देख सकते हो आगे से। एंड अगर एज अ स्टड किसी को यूज करना है सर, तो क्या आप अपना नंबर बता सकते हो? 9168931373। ओके, यवतमाल से ही हो आप? यवतमाल। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, देख सकते हो काफी शानदार क्वालिटी में यहाँ पे जर्मन शेपर्ड है। और ये जर्मन शेपर्ड है दोस्तों, एक मेरे छोटे दोस्त है सब्सक्राइबर, ये मुझे वहाँ पे मिले अभी और बोलते हुए मेरे पास आए कि मैं सब्सक्राइबर हूँ। तो इनका जो डॉग है दोस्तों, ये देख सकते हो काफी शानदार क्वालिटी का है। तो क्या नाम है इसका? सिम्बा। ओके ओके। एंड ये मेल है या फीमेल है सर? मेल है। ओके मेल। कितने इसकी एज क्या है सर? इसकी 11.5-12 महीने। अच्छा, 11.5-12। और इसके पहले कभी इसने मीटिंग वगैरह मारी है सर? नहीं। तो अपने पास ये एक ही है या और डॉग्स वगैरह भी है सर? अभी दूसरा भी है। अच्छा, वो भी है दोस्तों, उसके बारे में भी जानेंगे। और तो इसके बारे में बताओ, इसकी डाइट वगैरह क्या रहती है? इसकी डाइट मतलब वीक में 2 बार हम चिकन राइस देते हैं। अच्छा अच्छा। और पेडिग्री चल रहा है उसका साथ में। अच्छा अच्छा, रेगुलर पेडिग्री। हाँ हाँ हाँ। वीक में चिकन राइस। अच्छा, और कर्ड वगैरह अपन राइस वगैरह? हाँ, कर्ड राइस। अच्छा, देते रहते हैं। ओके ओके। एंड इसको वॉकिंग पे वगैरह कितनी बार लेके जाते हैं अपन? वॉकिंग पे यानी हम रनिंग पे लेके जाते हैं। अच्छा, रनिंग पे लेके जाते हो। ओके ओके। तो इसका नाम नहीं बताया आपने, क्या बोले? सिम्बा। अच्छा, सिम्बा है। और तो ये कौन से कोट में आता है सर? ये डबल कोट में ही आता है। अच्छा, डबल कोट में ही आता है। ये देखो, लॉन्ग कोट में। मेल फीमेल अपने पास पेयर है सर? नहीं, दोनों मेल। दोनों मेल है।
ओके ओके, तो वो जो दूसरा मेल है वो कितने महीने का है सर? वो 12 महीने, 12.5 महीने। अच्छा, यानी ये दोनों साथ में लिए थे अपन ने? हाँ, 1-1.5 महीने का फर्क। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए दो मेल एक साथ परचेस किए हो। पहले तो मुझे ये पसंद आया था। अच्छा अच्छा, ये पहले पसंद आया था। फिर ये अकेला हो रहा था, तो एक उसके साथ साथी होना, इसलिए हमने दूसरा लिया। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया जर्मन शेफर्ड में। तो अभी आगे सोचा कि थोड़ा बिजनेस व्यू से भी देखा जाए। अच्छा अच्छा, तो सर आपने दोनों ही जर्मन शेफर्ड क्यों लिए? मतलब आप दूसरी भी ब्रीड ले सकते थे? बिल्कुल, फेवरेट ब्रीड है। अच्छा, इनका जो स्टैंडिंग पोजीशन रहता है सर, तो आप स्टैक करके दिखा दो सर एक बार इसको। बिल्कुल, ये देख सकते हो दोस्तों, स्टैक करके एकदम गुड बॉय, गुड बॉय, ये देख सकते हो दोस्तों, ये देख सकते हो। तो सर ये विद केसीआई है या विदाउट केसीआई है? नहीं, विदाउट केसीआई। अच्छा, विदाउट केसीआई है। ओके, तो सर ये अपने कहाँ से बाय किए थे? ये हमारे चंद्रपुर में भाई है। हाँ हाँ, आप जानते होंगे। अच्छा अच्छा, चंद्रपुर में। हाँ हाँ, उन्होंने दिया था। अच्छा, और ये यवतमाल से लिया। अच्छा, ये यवतमाल का ही है एंड ये चंद्रपुर से आया है दोस्तों। काफी शानदार क्वालिटी का है एक्चुअली, ये ज्यादा एक्टिव। अच्छा अच्छा, हाँ, और समझदार भी यही है। हाँ हाँ हाँ, छोटा है पर समझदार ज्यादा है। अच्छा अच्छा, तो सर इन दोनों में से इसकी पहले एक आध अच्छी हैबिट बता दो कि वो यादगार है, मतलब कोई ऐसे कारनामा किया हो इसने अभी तक। सर ऐसा है कि ये बंदा ऐसा है, ये तो थोड़ा मतलब अपनी धुन में रहता है। अच्छा अच्छा, ये बंदा ऐसा है कि अगर अपन अपने इमोशन समझ रहा है सर। हाँ हाँ, ये वाला मतलब अगर अपन नर्वस है तो वो हिसाब से अपने से डील करता है। अच्छा अच्छा, अपन खुश है तो वो हिसाब से अपने से डील करता है। अच्छा अच्छा, और समझदारी के मामले में बोलूं तो मैं सच में इसके अच्छा इसके फेवर में हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और इसकी एक आधी बैड हैबिट जी जो नहीं करना चाहिए? आंग पे चढ़ता है इसके बेचारे। अच्छा अच्छा, यानी कि इसके आंख भी ऊपर चढ़ते रहता है। हाँ, तो खेलने के लिए करता है। हाँ हाँ हाँ, पर उसके नाखून वगैरह। हाँ हाँ, नाखून वगैरह लगते हैं, झगड़े चलते फिर। अच्छा अच्छा, तो सर ये जर्मन शेफर्ड जो ब्रीड है ये गार्डनिंग के हिसाब से कैसी है? एकदम एकदम अच्छी ब्रीड है सर, फैमिलियर भी है। अच्छा अच्छा, मतलब मार्शल सब है। अच्छा अच्छा, भी एकदम अच्छा, एकदम फ्रेंडली रहता है। तो दोस्तों अगर इसको अपन जैसे बिहेवियर देंगे यानी कि जैसे ट्रेन करेंगे वो वैसे हो जाते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल। तो एज ए स्टड यूज करना है तो क्या आप अपना नंबर बता सकते हो? जी जी बिल्कुल, 8668346703। ओके सर, थैंक यू सर, मिलके अच्छा लगा। थैंक यू। तो देख सकते हो दोस्तों काफी शानदार क्वालिटी है इसकी, ये देख सकते हो स्टैक पोजिशन में खड़ा भी है ये। तो सर इसका राउंड हुआ था या होने का है? सर अभी होना ही है, लास्ट में रहेगा। अच्छा, जर्मन शेफर्ड का राउंड लास्ट में रहता है दोस्तों, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं जब ये राउंड में उतरेंगे। बिल्कुल दोस्तों देख सकते हो ये काफी शानदार क्वालिटी का यहाँ पे ग्रेड डेन है। तो सर क्या नाम है इसका? ब्लूजी। ब्लूजी क्या नाम है बोले? ब्लूजी। ब्लूजी ब्लूजी, ओके ओके। तो ये कितने महीने का है? ये 11 मंथ। 11 मंथ, ये तो अभी पप्पी है। हाँ, ओके ओके। तो मेल है या फीमेल है सर? फीमेल है दोस्तों, ये देख सकते हो। और इसकी एक बात ये देख सकते हो दोस्तों, ब्लू आईज में है ये देख सकते हो आप। एंड ये काफी थक चुका है दोस्तों अभी। तो सर इसकी डाइट क्या रहती है? ओके 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 ओके। एंड तो दिन में कितनी बार देते हो सर? 2 टाइम्स देते हैं। ओके ओके। एंड इसको क्या ये अग्रेसिव है या फ्रेंडली है? अग्रेसिव तो नहीं है। हाँ हाँ, वैसा घर पे कोई आया तो सर। अच्छा 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 अच्छा, ये देख सकते हो दोस्तों काफी शानदार ब्रीड है। और 11 मंथ का है सिर्फ, है ना सर? 11 मंथ फीमेल है। ओके ओके। तो सर ये कलर कौन सा है ये बता दीजिए? हार्लेक्विन। ओके ओके, तो ये देख सकते हो। एंड ये रिंग में उतरा था सर? हाँ उतरा था। ओके ओके, तो क्या मिला इसको?
ये देख सकते हो दोस्तों, आरबीओबी मिला है, रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड, ये देख सकते हो, ये इसको मिला है एंड ये अभी लाइनअप के लिए एकदम रेडी है। ये देख सकते हो एयर्स वगैरह क्रॉप कर चुके हैं सर ने। तो इसको घुमाने का वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह कैसे क्या रहता है? सुबह शाम देते हैं, घुमाते हैं दो बार। ओके ओके। तो मैंने सुना ये जैसे ग्रेट डेन ब्रीड है तो इसको एरिया भी बड़ा लगता है रहने को। हाँ। तो क्या ये कितने एरिया में रह लेती है अप्रोक्स? आइडिया तो नहीं हमें। हाँ हाँ, पर ये खुला ही रहता है। अच्छा, खुला ही रहता है। ओके ओके। अगर खुला नहीं रखे तो दोस्तों इसके लेग्स वगैरह वो बेंडिंग हो जाते हैं, तो देख सकते हो ये काफी। तो अपने पास सर ये एक ही है या और है? एक ही है। अच्छा, एक ही है। ओके ओके। तो सर आपने ग्रेट डेन ही लेने का क्यों सोचे, इतने बड़ी डॉग ब्रीड? ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, और थोड़ा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। अच्छा अच्छा। हाँ, लोग थोड़ा ज्यादा ही देखते जब लेके निकलो तो बाहर, थोड़ा लोगों का अट्रैक्शन हो जाता है। हाँ हाँ, डॉग की तरफ देखते थोड़ी देर बाद में अपने तरफ भी देखते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर अगर किसी को फ्यूचर में एज अ इसके पप्पी चाहिए या आपकी फीमेल के ऊपर किसी का मेल लगाना है, कॉन्टेक्ट करिए ना, एक मेरा भाई है। अच्छा अच्छा। बॉयर करके। अच्छा अच्छा। तो ये दिला देंगे आपको। अच्छा अच्छा, दिलाया था डॉग। अच्छा अच्छा। तो भैया आप अपना नंबर बता सकते हो? 7600089615। ओके ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों देख सकते हो काफी शानदार क्वालिटी का यहाँ पे लैब्राडोर का मेल है और काफी बल्की है एंड ये देख सकते हो। तो सर इसका नाम क्या है? जैक। ओके ओके। एंड इसकी एज क्या है? 11 महीने। 11 महीने का है दोस्तों, ये अभी पपीज है, पपीज है। तो इसकी डाइट क्या रहती है सर? पेडिग्री है और चिकन है। अच्छा, बॉयल्ड अंडे है। ओके ओके। और रोटी चावल वगैरह भी देते हैं अपन? मॉर्निंग वॉक है इसका। अच्छा। ओके ओके। तो इसको ये कहाँ से बाइक किए थे सर अपन ने? ये यवतमाल। अच्छा, यवतमाल से ही बाइक किए थे। इसको वॉक पे कितनी बार लेके जाना पड़ता है सर? सुबह में 2 बार। ओके ओके। शाम में, सुबह में। ओके। तो सर इसका क्या ये पहला ही डॉग शो है या इसके पहले भी डॉग शो खेला हुआ है? पहला था। अच्छा, पहला ही है। ओके ओके। तो विद केसिया है या विदाउट केसिया है सर ये? विदाउट केसिया है। तो ये देख सकते हो दोस्तों। तो क्या सर अग्रेसिव है या फ्रेंडली है? बहुत शांत है। अच्छा, बहुत ही फ्रेंडली है। फ्रेंडली है। ये देख सकते हो दोस्तों, मैं हाथ लगा के देख सकता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, काफी शांत है। और ये कलर देख सकते हो दोस्तों, एकदम फुल व्हाइट है और एकदम शाइन भी कर रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो, ये बल्कि है एकदम हेल्दी। तो सर इसकी इसके पहले मीटिंग वगैरह लगाई है? नहीं, मीटिंग वगैरह कुछ नहीं। तो सर कितने दिन बाद मीटिंग लगाना पड़ता है इसको? 12 महीने के बाद। एक साल के बाद लगा सकते हैं? ओके ओके। अभी लगाई नहीं हमने। ओके ओके। तो सर ये अपने पास एक ही है या और भी डॉग ब्रीड है? ये एक ही। एक ही है। हाँ। ओके ओके। तो इसका राउंड अभी हुआ है या होने का है? होने का राउंड। अच्छा, होने का है। ओके ओके। तो इसका राउंड होने का है दोस्तों अभी। और अच्छा, ऐसे बोल रहे लोग। और यानी कि जितने भी लैब्रा वगैरह है दोस्तों, उनमें से काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है ये, और इसकी साइज वाइज काफी जबरदस्त है। तो सर अगर आने वाले टाइम में किसी को एज अ स्टड इसको यूज करना हो तो क्या आप अपना नंबर बता सकते हो? 9850515867। ओके ओके। और सर अपना लोकेशन क्या है?
का भी जबरदस्त क्वालिटी में ये रॉटविलर है यहाँ पे। इसको मेरे आपने मेरे चैनल पे देखे थे नागपुर जब स्पेशलिटी शो था वहाँ पे आपने देखे थे। तो सर उसका नाम क्या है? इसका नाम टफी। ओके ओके। और वो फुल ट्रेंड है ना सर? फुल ट्रेंड। अच्छा अच्छा। एंड ये जो नया दिख रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम सूर्या। सूर्या। ओके। इसको कब लाया अपन ने? अभी उसको एक महीना हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी एज क्या है? उड़ान करके एक इंपोर्ट डॉग है। हाँ हाँ। काफी अच्छा आइडिया है इसका। अच्छा अच्छा। उसका सन है ये। ओके ओके। तो इसकी एज क्या है सर? ये 3 महीने का। 3 महीने का है सर। और 3 महीने के हिसाब से जबरदस्त हाइट वगैरह हो चुकी है दोस्तों उसकी। 100% आईडीआर के। अच्छा अच्छा। और उसको रिंग में उतारे थे सर अभी? हाँ उतारे। अच्छा तो उसको क्या मिला है? नहीं अभी इस बार तो उसका एक्चुअल ऑपरेशन हो गया था। अच्छा अच्छा। तो उसको पेन था तो हाँ नहीं मिला। अच्छा 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 अच्छा। पर दोस्तों वो फुल ट्रेंड है, एकदम एकदम फुल ट्रेंड है, अल्टीमेट क्वालिटी का, यानी कि अल्टीमेट ट्रेंड है वो। तो आपने मेरे पुराने चैनल यानी कि आपने मेरे पुराने वीडियो में भी देखे होंगे उसको। हर चीज मानता है जी। हाँ ना सर दीपक। हर चीज। तो आपने कहाँ से ट्रेंड किए थे उसको? हमारे गाँव में ट्रेंड किया। अच्छा अच्छा। यही से ट्रेंड किए थे। और उसको डाइट वगैरह क्या रहती है सर? डाइट उसको पेडिग्री फर्मिना करके मिक्स करते हैं। सुबह चावल और रोटी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। तो एज अ स्टड आप उसको यूज करते हो सर उसको? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो सर अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड होगा तो क्या आप अपना नंबर बता सकते हो? मेरा नंबर है आदित्य जोशी। 777-6964-665। ओके सर। थैंक यू सर। फर्स्ट बेस्ट इन शो गोज टू एग्जिबिट नंबर 21 द चैंपियनशिप। में बताना एंड मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा यूजर नेम है आशीष डॉगवट। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सिटी में नेक्स्ट। जितना है दोस्तों बाय बाय। वंदे मातरम।